देखिए दोस्तों खाना आ गया है, अब ये खाने जा रहा है साथ में। आप लोग देख सकते हैं दोनों लोग हम लोग कैसे खाना, देखिए कैसे खाना खाने जा रहा था आपने, आप लोग देख सकते हैं हम दोनों लोग एक ही साथ रोज खाते हैं, ऐसे पर डे का काम है, दोनों लोग साथ ही खाना खाते हैं, सब्जी रोटी दाल चावल जो बना होता है दोनों लोग साथ ही खाते हैं। आप लोग देख सकते हैं कैसे खा रहा है, ये हमेशा मेरे साथ ही रहता है, देखिए आप लोग कैसे खा रहा है, कैसे खाना खाता है मेरे साथ, आप लोग देख सकते हैं इसी तरह मेरे साथ मेरे ही प्लेट में खाना खाता है जब मैं नहीं रहता घर में। देखिए दोस्तों मैं अब घर पहुंच रहा हूं, बाहर गया था और ये सारस पक्षी जो है मेरा देखो ये खड़ा हुआ है, अभी मैं हार्न बजाऊंगा देखो तो कैसे बोलता है, फिर ये उसको देख के देखिए वॉइस कैसे बोल रहा है, उसको देख के हार्न बजाने पर ये मुझे इतना प्यार करता है, मैं बाहर आज से अभी वापस आया हूँ, बाहर गया था तो हार्न बजाने देखे कैसे बोलता है, हार्न बजाने देखे फिर हार्न बजा रहे हैं कैसे बोलता है, लोग देख सकते हैं कितना प्यार करता है हमसे, हार्न बजाने पे कैसे बोल रहा है, देखिए मैं अपनी गाड़ी का हॉर्न बजा रहा हूँ कैसे बोल रहा है। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं और आपके पास एक सारस पक्षी है और उसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? जी मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है, जामू ब्लॉक अमेठी जिला में मजरे रामपुर औरंगाबाद मंडका गाँव है मेरा। ये जो सारस पक्षी है हम खेत में थे वही हमको मिला था, मिलता है उड़ता है मेरे सर के ऊपर फिर नीचे आता है ऐसे काटने दौड़ता है धीरे धीरे, प्यार करता है मतलब काटने का उसको प्यार बोलिए, ऐसे टहलता रहता है। इसके दोस्त कभी कभी आ जाते हैं मेरे घर के पास तक इसको ले जाने के लिए, पर ये कभी गया नहीं, ये बरामदे में जाके छुप जाता है, जब इसका दिल करता है साथ में तो दोस्तों के चला जाता है, मगर जैसे शाम होती है वो अपने घर जाते हैं तो ये अपने घर वापस मेरे घर मतलब वापस चला आता है। घर के और सदस्यों के साथ, घर के और सदस्यों के साथ वाली कोई मर्जी है, भगवान की अल्लाह की कोई मर्जी है और उसमें हम क्या बता सकें, कहीं ना कहीं जो है आपने इसका इलाज किया है, इलाज किया है हो सकता है उसी वजह से हमको मानता हूँ।